कक्षा 9वीं एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपरों में भी रिपीट होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। निम्न को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है, 0.6 बार। सबसे पहले हमें इसको P बटा Q के रूप में लिखना है जहां P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक यानी माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर या जीरो, P और Q वैसा कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हमने इसको P बटा Q में लिखना है, तो मैं पहले ही इसको मानता हूं कि मान लो P बटा Q बराबर 0.6 बार। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बच्चों हमेशा याद रखना, इक्वेशन 1 कब लेनी है? इक्वेशन 1 आपने तब लेनी है जब दशमलव के बाद सारी ही चीजें बार के नीचे हों। आई रिपीट, इक्वेशन 1, ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तब भी आप देखेंगे, बार आपने तब लेना है जब, इक्वेशन 1 आपने तब लेनी है जब दशमलव के बाद सारी ही चीजें बार के नीचे हों। अब ये बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है 0.66666, ये बार 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 ऐसे रिपीट होता रहेगा, इसीलिए बार लगाया जाता है। इसको हमने लिया है इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों ध्यान से समझना, हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को एक संख्या से गुना करना है। वो संख्या कैसे पता चलेगी? वो संख्या होगी 10 या 100 या 1000 या 10000, इस प्रकार की कोई संख्या होगी। तो क्या होनी चाहिए? एक लगाकर आप देखेंगे बार के नीचे कितने अंक हैं। यहां सिर्फ एक ही अंक लिखा है, 6, यानी बार के नीचे एक अंक है तो यहां लग जाएगा 0। इसका मतलब इक्वेशन 1, यह जो इक्वेशन 1 है, इसे हम 10 से गुना करेंगे। यदि यहां बार के नीचे मान लो 2 अंक होते तो हम इसको 2 जीरो लगाकर 100 से गुना करते, आगे वाले उदाहरणों में हम देखेंगे। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन की दो साइडें होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बराबर के एक लेफ्ट पर एक राइट पर, इनको लेफ्ट साइड और राइट साइड कहते हैं। लेफ्ट साइड को भी 10 से गुना करना पड़ेगा और राइट साइड, पूरी इक्वेशन का मतलब लेफ्ट को राइट को दोनों को 10 से। पी बटा क्यू को जब 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10 पी बटा क्यू। 0.66 बार है ये वाला है, यहां जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव यहां है ये एक स्थान, एक जीरो है तो ये एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.66666 बार, इस प्रकार से। आई रिपीट, आप ध्यान से देखिए, यहां दशमलव ये था जीरो के बाद, जब हमने इसको 10 से गुना किया तो ये एक स्थान, क्योंकि यहां एक जीरो है तो ये एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये दशमलव यहां 6 के बाद आ जाएगा। देखिए 6 के बाद आ गया, आगे 6666666 डैश डैश है, वही हमने लिख दिया। इसको हमने ले देना है इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब हमने क्या करना है, हमेशा ये सभी क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न रहेगा, वही आपने हमेशा करना है। सेकेंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर देना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में से राइट साइड माइनस होगी, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी। लेफ्ट साइड में है 10 पी बटा क्यू, ऊपर है पी बटा क्यू यानी एक पी बटा क्यू, तो 10 पी बटा क्यू में से एक पी बटा क्यू माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 9 पी बटा क्यू, राइट। और इधर देखिए क्या होगा, ये मैं आपको किसी रफ कागज पे करके दिखाता हूं। हमारे पास यहां है 6.666, तो 6.66666 डैश डैश डैश, और ऊपर है जीरो, पहली इक्वेशन में 0.6 बार, उसका मतलब था 0.66666, तो 0.66666 डैश डैश डैश, 6 में से 6 गया 0, 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 दशमलव के नीचे दशमलव और 6 में से 0 गए 6। तो दूसरी इक्वेशन की राइट साइड से पहली इक्वेशन की राइट साइड माइनस करते ही ये सारे जितने यहां पर दशमलव के बाद वाले 6 होंगे, ये यहां के दशमलव के बाद वाले 6 के साथ माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे,
लेफ्ट, ये जो दशमलव के पहले है छह, इसमें से जीरो निकाल के आ गया छह, यानी इसको माइनस करके हमारे पास आता है छह। तो ये छह को मैं यहां लिख दूंगा। अब P बटा क्यू बराबर, क्योंकि हमें P बटा क्यू के रूप में लिखना था ना इस दशमलव को, छ नौ इधर P के साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग। इसे हम देखेंगे कि क्या ये कहीं पर कट सकता है, ये दोनों तीन के पहाड़े में कट सकते हैं, तीन तियानो तीन दूनी छ, तो ये आ गया दो बटा तीन, यानी कि P बटा क्यू हमारे पास आ गया है दो बटा तीन। हमें यही करना था इस क्वेश्चन में, हमारे पास एक दशमलव प्रसार दिया था 0.6 बार, हमें इसको P बटा क्यू के रूप में लिखना था। इस प्रश्न का दूसरा भाग है 0.47 बार, बार सिर्फ सात के ऊपर है, चार के ऊपर नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ऐसे प्रश्नों में आपने सबसे पहले ये देखना है कि दशमलव के बाद सिर्फ बार रहना चाहिए और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये जो दशमलव के बाद चार है, हमें इसको यहां से दशमलव से पहले लाना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी किया, मान लो इसे हमने क्योंकि P बटा क्यू रूप में लिखना है, तो हम पहले ही इसको P बटा क्यू बराबर 0.47 बार लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यदि इस दशमलव को एक स्थान इधर लेकर जाना है तो इसे 10 से गुना करना होगा, 0 1 0, क्योंकि एक स्थान जंप कराना है, दो स्थान जंप कराने होते तो 2 0 यानी 100 से गुना करते। तो जब P बटा क्यू को 10 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 10 P बटा क्यू, जब इसको 10 से गुना किया जाएगा 0.47 बार को, तो जीरो दशमलव चार सात बार का मतलब है 7 7 7 7, जब इसको हम 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है ये एक स्थान इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4.7777 बार इस प्रकार से। यानी कि ये जो 0.47 बार है, इसको जब हमने 10 से गुना किया तो ये बन जाएगा 4.7 बार। अब हमने आपसे कहा था कि इक्वेशन वन कब लेनी है, जब दशमलव के बाद सिर्फ बार के नीचे संख्याएं हो, खुली संख्या कोई ना हो, तो वैसा बन गया, तो हम इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब जैसा आपने पहला प्रश्न किया था, ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही बन गया है। अब आप देखेंगे कि हम पहला स्टेप क्या था, इक्वेशन वन को 10 से गुना करना, यही स्टेप हम यहां करेंगे, इक्वेशन वन को 10 से गुना करना। यहां 10 ऑलरेडी है, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 100, 10 दहा 100, साथ में आ गया P बटा क्यू बराबर, जब 4.77 बार है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये रफ वर्क है, इसको छोड़ दीजिए, 4.7 बार का मतलब है 4.7777 इस तरह से, जब इसको 10 से गुना करेंगे तो दशमलव पॉइंट एक स्थान राइट की तरफ जाएगा, तो ये राइट साइड इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 47.77777 इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी ये जो 4.7 बार है, जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 47.7777777, इसको भी आप आगे, इसको भी आप आगे लिख देना 4.7777, ताकि आपको क्लियर हो जाए, यहां दशमलव है एक। इसको हमने लेना है इक्वेशन नंबर दो। अब आप पिछले क्वेश्चन में यदि देखेंगे तो अगला स्टेप क्या था, 10 से गुना करने के बाद अगले स्टेप में इक्वेशन दो में से इक्वेशन वन माइनस की थी। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन दो में से इक्वेशन वन माइनस कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड से हमेशा बेटा लेफ्ट साइड माइनस होगी, 100 यहां है, 100 P बटा क्यू, और यहां है 10 P बटा क्यू, तो 100 में से 10 निकाल दिए, ये आ गया 90 P बटा क्यू, और इस तरफ आप ध्यान से देखिए तो ये है 47.77 बार, 47.7777 और ऊपर इक्वेशन वन में है 4.777, दशमलव के नीचे दशमलव आता है,
इस प्रकार से इसको माइनस करना है। ये हमेशा माइनस ध्यान से करनी, दशमलव के नीचे दशमलव रख के। देखिए इक्वेशन टू में था 47.777, इक्वेशन वन में था 4.777। इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये सारे 777 में से ये नीचे वाले सारे 777 माइनस होके जीरो बन जाएंगे, है ना। और इधर 7 में से 4 निकाला 3 और 4 में से 0 निकाला 4, तो ये आ गया 43.000 यानी कि 43। अगले स्टेप, पिछले में क्या किया था देखिए, 9 इधर गुना हो रहा था उधर जाके भाग हो गया था, यही हम यहां करेंगे अगले स्टेप में। 43 यहां पहले से है, 90 इधर गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग। अब ये 43 और 90 आपस में किसी भी पाड़े पर नहीं कटते, इसका मतलब यही हमारा उत्तर है।